अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्था एडेट एक्शन इंटरनेशनल दक्षिण एशिया की ओर से राजधानी में रन फॉर इंक्लूजन चैरिटी दौड़ का आयोजन हुआ। छालाना संस्थान क्षेत्र स्थित आरटीओ कार्यालय से शुरू हुई इस दौड़ को उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंचित समुदाय को मुख्य धारा में लाने का संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवा और स्कूली बच्चे शामिल हुए। 5 किलोमीटर लंबी दूरी की यह दौड़ विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आरटीओ कार्यालय पर संपन्न हुई। दौड़ की अगुवाई स्केटिंग समूह के बच्चों ने की। उच्च शिक्षा मंत्री सराफ ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे आयोजनों में हर संभव मदद करेगी। इंटरनेशनल संस्था को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार के उपेक्षित वर्ग जो समाज से जुड़े हुए नहीं है उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने आज इस दौड़ का आयोजन किया है और मुझे खुशी है कि हमारे देश की 25 सिटीज में आज इस दौड़ का एक साथ इन्होंने आयोजन किया है। और मुझे ये भी बताया गया कि साउथ एशिया में 4 स्थानों पर श्रीलंका में और 3 स्थानों पर नेपाल में और 1 स्थान भूटान, इस प्रकार से इन्होंने इस दौड़ का आयोजन किया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और राज्य सरकार से इस प्रकार के आयोजनों में जिस प्रकार का भी सहयोग संस्था को अपेक्षित होगा हम देने में पीछे नहीं रहेंगे। खास बात यह थी कि यह दौड़ भारत के 25 से ज्यादा चुनिंदा शहरों के साथ ही श्रीलंका, भूटान और नेपाल में भी एक साथ आयोजित की गई। राजधानी जयपुर में हुई इस दौड़ में भी स्कूली बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौड़ का उद्देश्य समाज की मुख्य धारा से वंचित समुदायों को गरिमा और सम्मान के साथ उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आमजन को संदेश देना था। इसके अलावा उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का मौका देने का संदेश दौड़ में दिया गया। आयोजकों ने दावा किया कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के 50 से अधिक शहरों में एक साथ दौड़ कर लगाकर कीर्तिमान हासिल किया है। हमारा जो विश्वास है, हम लोग खुद ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो विकास का एक धुरी है, बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। और एडेड एक्शन के जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में हम लोग इंक्लूजन को महत्व देते हैं कि कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जो वंचित रह जाए, और इसके लिए एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कई बार जब हम वंचित वर्ग की बात करते हैं तो केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को देखा जाता है, पर बहुत सारा ऐसे सेगमेंट्स है, चाहे वो आपके चिल्ड्रन है इन्फेक्टेड या अफेक्टेड बाय एचआईवी है, आपके जो घुमंतु प्रजातियां हैं उनके बच्चे हैं, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जो एक जगह से आकर दूसरी जगह पर रहती है उनके बच्चों की एजुकेशन का सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो एक्सक्लूड हो चुके हैं, जिनको अलग थलग रखा गया है। तो ये एक प्रयास है कि वो सारे लोग किसी तरीके से मेनस्ट्रीम हो और उनके जो विकास में भागीदार होने की प्रक्रिया है वो एक अच्छे से हो।